भारत भाग्य उधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ओ ये क्या हो गया यार, आउट हो गया, मतलब फिरियास अय्यर आउट हो गया। ओ माय गॉड, आप चेक कर सकते हो, ये ट्रेंट बोल्ट ने बॉल करवाया और मिचेल ने जाके उसको कैच पकड़ लिया। चलो कोई नहीं, अपना कोहली अभी तक खड़ा हुआ है और इसके अलावा भी सूर्य कुमार यादव ने भी आना है। वी गोना विन दिस मैच। तो यार आज है मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, और आज आपका भाई सपोर्ट कर रहा है टीम इंडिया को, क्योंकि टीम इंडिया ने अपने 2019 में जो माही रन आउट हुआ था उसका भी बदला लेना है, और आज इंडिया ने चेस करना है 274। अभी क्रीज पे खड़े हुए हैं हमारे विराट कोहली और अय्यर खड़े हुए हैं, एंड वी कैन होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि इंडियन टीम अच्छा खेल रही है और रन रेट भी इंडिया का काफ़ी अच्छा है। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो शुरू में ही उन्होंने विकेट ले ली थी और उसके बाद काफ़ी अच्छा कमबैक किया था न्यूजीलैंड ने, लेकिन उसके बाद जो लास्ट ओवर्स की बात करें तो उसमें भी इंडियन बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया और न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर दिया। अभी हमारे विराट कोहली सामने खड़े हुए हैं और साथ में उनके अय्यर खड़े हैं, दोनों अच्छा खेल रहे हैं, एंड वी कैन होप फॉर दी बेस्ट कि आज हम न्यूजीलैंड को हराएंगे। बीइंग अ पाकिस्तानी आज मैं इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपके भाई ने ब्लू कलर की शर्ट भी पहनी हुई है। इंडिया की टीम की जो जर्सी तो थी वो मेरे पास थी नहीं, तो इसीलिए मैंने ये कलर पहन लिया कि थोड़ा बहुत चलो इंडियन टीम को हम भी सपोर्ट करें, इंडियंस को सपोर्ट करें, चलो हम पाकिस्तानी भी करें। हमारे पाकिस्तान की टीम का आज मैच नहीं था, तो आज आपके भाई ने सोचा कि आज आपका भाई इंडिया की टीम को सपोर्ट करेगा। वैसे कोहली खड़ा हुआ है और लास्ट मैच में भी कोहली ने सेंचुरी मारी थी। वी कैन होप फॉर द बेस्ट कि आज के मैच में भी कोहली सेंचुरी मारे, क्योंकि पिछले मैच में मारी थी, इस मैच में मारी थी। कोहली तो फिर किंग है ना, कोहली इज गॉड। वैसे हमारे बाबर आजम भी गॉड हैं, लेकिन आजकल जो वर्ल्ड कप में है वो अच्छी फॉर्म में नहीं है। बस इंडिया के मैच में उन्होंने तकरीबन 50 स्कोर किया था, उसके अलावा 11, 13, 15, 18 इतना ही स्कोर किया है। तो दोनों ही गॉड हैं, हम दोनों की रिस्पेक्ट करते हैं, बाबर आजम की भी और विराट कोहली की भी। और आज का जो मैच है, इंडिया जीत के पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इंडिया अभी तक अनबीटेबल टीम है इस वर्ल्ड कप में। एंड वी कैन होप कि आज के मैच भी इंडिया न्यूजीलैंड को हराएगी, क्योंकि अभी तक जस्ट इंडिया के सिर्फ 2 आउट हुए हैं, आई थिंक 2 या 3 आउट हुए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, अभी ऐड चल रहा है, तो तकरीबन 2 या 3 आउट हुए हैं और इंडिया ने तकरीबन 114 रन बना लिए। काफ़ी अच्छा खेल रही है इंडिया की टीम, तो अभी आगे देखते हैं क्या क्या होता है, साथ साथ जुड़े रहें। और बाकी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैच तो ख़त्म हो जाएगा, वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो आपका और मेरा जो रिश्ता है ना वो हमेशा बना रहेगा। तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बाकी ये आप लोग चेक कर सकते हो, सामने कोहली खड़ा है, पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, अभी नज़र आ रहा है, हाँ सामने कोहली खड़ा हुआ है और ये मैच चल रहा है। तो वी आर होपिंग वेल फॉर टीम इंडिया, एंड टीम इंडिया गो टीम ब्लू। यो ज़्यादा हो गया ना, लेकिन आज मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं इंडियन टीम की विन को लेके, एंड लेट्स होप कि इंडिया की टीम आज जीतेगी और जीतेगी। मुझे लगा कि शायद आउट हो गया, लेकिन थैंक गॉड आउट नहीं हुआ, क्योंकि यार इंडिया ने जीतना है आज। ये आप लोग चेक कर सकते हो, ये भाई ट्रेंट बोल्ट तो भाई बहुत ही ख़तरनाक बॉलर है यार, बहुत ही ख़तरनाक है भाई, डर जाते हैं लोग इससे। और चलो गुड है, आज इसने इतना अच्छा परफॉर्म पता नहीं किया नहीं किया, शुरू की जो 2 विकेट्स हैं पता नहीं इसने लिए किसने लिए, वो तो गॉड जाने, वो भी हम देखेंगे। और बाकी सारा मैच हम साथ बैठ के देखते हैं, चलो फिर मैच देखते हैं, साथ साथ बातें भी करते हैं।